रहे हो, गलत प्रश्न करके, ये वोटों की चोरी हो रही है ना। अगर आप ईमानदार हैं तो बैलेट से कराइए ना। ये बताइए, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बांग्लादेश, वहाँ में जब वोटों से प्रचार होता है, वोटों से जब लोकतंत्र, वहाँ का जनसंख्या छोटा है, भारत का बहुत बड़ा जनसंख्या, महीनों लग जाएंगे चुनाव कराने। अच्छा, तो भारत में पहले क्या मतलब लोकतंत्र नहीं था? जब पहले वोटों से, जब बैलेट पेपर से होता था, तब क्या लोकतंत्र नहीं था? अच्छा, लोकतंत्र था, आधुनिक हो गया। अब देखिए, ये आधुनिक चोरी है। पहले चोरी मनुवादी 3% ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग चोरी कैसे करते थे पता है आपको? पहले बूथ पे कब्जा करके करते थे। अब ये हाईटेक हो गए हैं, अब ये हाईटेक चोरी करते हैं, अब ये ईवीएम से चोरी करते हैं। ये वोटों, ईवीएम कुछ नहीं है, वोटों की चोरी का षड्यंत्र है। और इसमें कांग्रेस, बीजेपी, आप और जितने भी भारत की चुनाव आयोग तो कह रहे हैं कि फियरलेस इन चुनाव आयोग, चुनाव आयोग भी स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज है ही नहीं। चुनाव आयोग कह रहे हैं चुनाव फियर हो रहा है, फियर फियर जी, चुनाव आयोग कह रहा है साफ सुथरा चुनाव हो रहा है। जनता के वोटों को साफ करके कोई सही प्रश्न करिए ना। मैं कह रहा हूँ चुनाव आप, अरे आप क्या करेंगे ये बताइए, आप क्या करेंगे? अरे ईवीएम को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? नहीं होते हैं प्रश्न, कुछ नहीं, हम तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, ये कहेंगे कि मान्यवर लोकतंत्र के एक रक्षक, एक ही पिलर बचा है, मीडिया बिक गया, नेता बिक गए, पार्टियां बिक गई, अब एक है जगह। मीडिया कहाँ बिकी हुई है? मीडिया तो काम कर रही है अपना। हाँ, कुछ है बहुजन मीडिया वो कर रहे हैं, लेकिन टीवी चैनल एक भी नहीं कर रहा। अच्छा, मीडिया में भी बहुजन होता है क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बहुजन मीडिया मतलब ये बताइए, ये बताइए, 75% 80% लोगों को हिस्सेदारी मिली मीडिया में? नहीं मिली। तो अभी तक मीडिया में जितने भी ओनर कौन है? सारे के सारे ब्राह्मणवादी लोग हैं। आप भी ओनर बन जाइए। क्या आप भी बन जाइए मीडिया के ओनर? बाबा ब्राह्मण बन गए तो आप लोग क्यों नहीं बनना चाह रहे? आप भी नहीं, आप भी मीडिया के ओनर बन जाइए भाई। बाबाओं से आप ये प्रश्न बाबाओं से पूछो। अरे सुनिए, हम लगे हैं, आप भी मीडिया के ओनर बन जाइए। तो फिर आपके केस है, आरोप लगा रहे हैं, आप अपना प्रचार करते रहिए। उन्होंने बोला था भाजपा आई थी कह के 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, जो बोला वो कर दिया। असली आज का मुद्दा तो ईवीएम का है, उसको नहीं, आप उसको इसी को डाइवर्ट कर रहे हैं। बात करिए, इसमें बात करो की जिससे की वोटों की चोरी को, जिससे बीजेपी के सरकार बनती है, बनती नहीं है, ये वोटों की चोरी होती है, वोटों की चोरी से सरकार बनती है। प्यार करते मोदी जी, सुनो, कोई प्यार व्यार नहीं करता, इतनी गालियां पड़ते, जाओ ना देखो ना जनता में आप जाते कहां हैं, आप तो दिल्ली की सड़कों में गए रहे हैं। दिल्ली में बात करते, दरअसल सच बात तो ये है, लोग लोग इतने भरे हुए हैं। आप कौन से टीवी से हैं भैया? हाँ, वीडियो भी बना रहे, बनाओ भाई। लोग भरे हुए हैं, दुखी हैं, प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं और तिराहता कर रहे हैं जनता। आप खुश हो सकते हैं? हो सकता है आप मनवादी मीडिया से हो, आप खुश हो सकते हैं? आप खुश नहीं हैं। कौन आप खुश नहीं हैं? कौन इस देश के 140 करोड़ लोगों को दुखी देख के कौन खुश होगा? मनवादी तो खुश है, 3% 140 में सभी आते हैं, ब्राह्मणवादी मीडिया के लोग खुश है। हो सकता आप लोग ब्राह्मणवादी मीडिया के वाले अगर होंगे तो आप भी खुश होंगे। हाँ पूछिए। अच्छा, मीडिया में भी ब्राह्मणवादी चलता है क्या? 99% आपको पता नहीं, 99% चैनल मनुवाद को, मनुवाद को प्रसारित करते हैं और रोजी रोटी की समस्या कभी प्रसारित नहीं करते, रोजगार की समस्या कम प्रसारित। ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए जज, जो जज हैं, वो हिस्सेदारी कब देंगे? नहीं दी जाती ना। शेड्यूल कास्ट के कितने जज हैं? किसका विकास भाई? किसी का कोई विकास नहीं, सिर्फ अडानी और अंबानी का विकास है मान्यवर, किसी का कोई। क्यों बेकार है ईवीएम को लेकर आप? पत्रकार, पत्रकार, पत्रकार लोग, आप बेकार मत, आप बेकार हैं ईवीएम को लेकर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है।
जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए?